रामपाल जी के अनुयायी हैं तो इनके पास चलते हैं और वो आपत्तियों को उठाते हैं जो अक्सर लोग टीवी डिबेट पर और उनके अनुयायियों से और लोगों से करते हैं। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में और अपनी किताबों में बताते हैं कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, ये कैसे हो सकता है? पूरा हिंदू धर्म ये मानता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो आप हमें बताइए ये प्रमाण कहाँ पर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है? इसका प्रमाण देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, हनुमान प्रसाद चिमलाल गोस्वामी करत, पुस्तक पृष्ठ 138 पर और स्कंद 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की जानकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी दुर्गा जी है, इसका प्रमाण पृष्ठ 138 पर है। सर हमें प्रमाण दिखाए, क्योंकि जनता आज शिक्षित है, जनता देखना चाहती है कौन से शास्त्र में ये प्रमाण है, तो आप हमारे कैमरामैन दिखाए कैमरे में और जनता को दिखाए कि ये प्रमाण कहाँ पर है, ये कौन सी किताब से आप प्रमाण दिखा रहे हो? ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, देवी भागवत, और इसके अनुवादक है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमलाल गोस्वामी। इसके 138 पृष्ठ पर है कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, तुम शुद्ध स्वरूप हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं और ब्रह्मा, मैं यानी इसमें विष्णु जी माता जी की स्तुति कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब जन्म होता है, और तिरोभाव का मतलब होता है मृत्यु, तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। और ब्रह्मा जी कहते हैं देवादि देव भगवान विष्णु की स्तुति करके चुप हो गए, तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अभी देवी भागवत पुराण से प्रमाण दिखाया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, उनकी माता देवी दुर्गा है, तो इनका यहाँ पर ये आरोप जो धर्माचार्य और कुछ प्रवर्तक लोग ये लगाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु नहीं होती, तो इन्होंने अभी हाथों हाथ ये प्रमाण दिखाया और सिद्ध किया इस बात को कि संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है वो पूरी तरह सत्य है।